हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट कदम। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप एक एलोवेरा जेल को यूज करके अपनी कितनी सारी स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम यूज करने वाले हैं वाओ स्किन साइंस का ये एलोवेरा जेल, जिसके बारे में आपको मैं बताने वाली हूँ। तो बिना स्किप करे ये वीडियो पूरा का पूरा देखना है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि सबको पता है, एलोवेरा जेल का कोई भी कलर नहीं होता है, वो कलरलेस होता है। तो सेम वाओ स्किन साइंस का जो एलोवेरा जेल है वो कलरलेस है, मतलब प्योर फॉर्म में है। ये है नेचुरल एलोवेरा और इसका जेल आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, बट आप इसे हर जगह कैरी नहीं कर सकते। तो आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं वाओ स्किन साइंस के प्योर एलोवेरा जेल से, जो कि 99% प्योर एलोवेरा से ही बना हुआ है, जिसमें कोई भी हार्श केमिकल नहीं है, लाइक मिनरल ऑयल, सिलिकॉन, पैराबिन एंड सिंथेटिक फ्रेग्रेंस भी नहीं है। तो ये 100% नेचुरल है और 99% प्योर है। इस एलोवेरा जेल के जो की इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि एलोवेरा जूस है, सिट्रिक एसिड है, जो हमारी स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसे एज ए मॉइस्चराइजर आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है तो आप इसे यूज़ करिए, ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। स्किन टैन जो हो जाती है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है एलोवेरा जूस। एंड ये बिल्कुल नेचुरल है, इसका कोई भी कलर नहीं है। तो वाओ स्किन साइंस का जो एलोवेरा जेल है, आप अपनी स्किन एंड हेयर के लिए डेफिनेटली यूज़ करिए। मैं यहाँ पर आपको कुछ यूजेस बता रही हूँ, इसके अलावा आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें अदर डिटेल के लिए। अगर आपकी एल्बोज रफ हो रही हैं, ड्राई हो रही हैं या फिर ब्लैकनेस हो रही है, तो आप इसे डेली रात में अप्लाई करिए या नहाने के बाद एक बार अप्लाई करिए। इसके आपकी ड्राइनेस को रिमूव करेगा, जो ब्लैक पार्ट हो जाता है उसे रिमूव करेगा, बिकॉज ये एज अ टैन रिमूवल भी काम करता है। तो आप इसे एक बार यूज़ करके देखिए, ये बहुत बेनिफिशियल होगा टैन रिमूवल में। सेकेंड जो यूज़ मैं आपको इसका बता रही हूँ वो एज एन हेयर मॉइस्चराइजर या हेयर स्मूथनर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपको थोड़ा सा एलोवेरा जेल पाम पर लेना है और इसे अच्छी तरीके से अपने बालों में आप लगाइए। आप इसे स्कैल्प पर भी यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत बेनिफिशियल होता है आपके बालों के लिए, जो आपके बालों को सॉफ्ट बनाएगा, मॉइस्चराइज करेगा। एंड आप अगर आप बालों में स्ट्रेटनर वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर शेव और वैक्सिंग के बाद अगर आपकी स्किन रफ हो जाती है या आपको ड्राइनेस और रेडनेस का प्रॉब्लम है, तो आप इस एलोवेरा जेल को यूज़ कीजिए, ये बहुत बेनिफिशियल है। आपकी स्किन को स्मूथ बनाएगा, ड्राइनेस को ख़त्म करेगा एंड बहुत ही अच्छा सा फील करेंगे आप इसे लगाने के बाद। नेक्स्ट, आप इसे एज ए अंडर आई जेल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम है या आपकी पफ़ी आईज़ हो रही हैं, तो आप डेली एज ए नाइट केयर इसे यूज़ कर सकते हैं। रात में सोते वक्त आप इसे अंडर आई अच्छे से मसाज कीजिए 2 मिनट्स तक, और ओवरनाइट रहने दीजिए। आप कुछ ही दिनों में इसके बेनिफिट्स देखेंगे, या आप डेफिनेटली आपकी त्वचा को बहुत ही स्मूथ करेगा और मॉइस्चराइज करेगा, जिससे डार्क सर्कल्स को कम करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप मार्केट में अवेलेबल प्राइमर्स को यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसे एज एन प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। मेकअप के पहले आप इसे अच्छे से चेहरे को मॉइस्चराइज़ कीजिए, ये एज ए प्राइमर बहुत अच्छा काम करता है और आपके मेकअप को लंबे समय तक टिकाने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इसके अलावा भी अगर आपको सनबर्न का प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ये एक नेचुरल स्क्रबर भी है, आप इसे एज एन स्क्रबर भी यूज़ कर सकते हैं। तो एलोवेरा जेल के मल्टीपल यूजेज हैं। यहाँ पर मैंने एज एन प्राइमर यूज़ किया है और उसके बाद मैं अपना कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, तो आप इफ़ेक्ट देख सकते हैं कि कंसीलर बहुत ही स्मूथली अप्लाई हो रहा है और ये एज एन मॉइस्चराइज़र बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। तो ये है मल्टीपर्पज़ केयर एंड बी वाओ नेचुरली विद वाओ स्किन साइंस एलोवेरा जेल। अभी मैंने एलोवेरा जेल के आपको जितने भी यूजेस बताए हैं, इसके अलावा भी इसको आप एन नंबर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ये एलोवेरा जेल परचेज करना है वाओ स्किन साइंस का, तो आप इसे इसकी वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा भी ये ऑनलाइन बहुत सारी जगह पर अवेलेबल है, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स आपको मिलते हैं, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।